नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत का वो नाम है जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि पूरी डाल ही हिल गई और वसुंधरा राजे को पता ही नहीं चला। शायद इसी का नतीजा है कि वसुंधरा राजे अब पायलट के नक्शे कदम पर चल पड़ी है, या यूं कहिए कि वसुंधरा राजे को पायलट की बगावत पसंद है। कैसी है ये बगावत और क्या चल रहा है दिल्ली दरबार में, उसे समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत की चौसर जैसे दांवपेच शायद आपने कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि सामान्य सी नजर आने वाली सियासत अक्सर अपने पहलुओं में भूचाल पाले बैठी होती है। शायद इसी का नतीजा है कि अक्सर खामोश रहने वाली राजस्थान की सियासी फिजा इतनी तल्ख है कि अपनी तपिश से दिल्ली को भी झुलसा रही है। गौरतलब है कि पहले कांग्रेस पार्टी से 19 वफादारों के साथ पायलट बागी हुए और बगावत ऐसे की कि अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। यानी ये समझिए कि पायलट ने अभी तक अपने तुरुप का इक्का संभाल कर रखा है। इसी बीच राजस्थान का सियासी पारा उस वक्त और परवान चढ़ गया जब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई। अंदाजा लगाइए कि जो वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर नहीं आ पा रही थी, उन्हीं राजे के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि दिल्ली जाना पड़ गया। जाहिर तौर पर राजे खफा हैं, बेहद खफा केंद्रीय नेतृत्व से। राजे को मलाल है कि प्रदेश में इतने बड़े सियासी उठापटक का बीज बगैर उनको बताए बो दिया गया। प्रदेश की सत्ता के उलटफेर की इबारत बगैर उनके लिख दी गई। उससे भी ज्यादा राजे आग बबूला इस बात को लेकर हुई कि राजे के धुर विरोधियों में शुमार हैं, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के भरोसे केंद्रीय नेतृत्व ने ऑपरेशन लोटस चला दिया। राजे को ये बात बुरी ही नहीं लगी बल्कि खल गई, लिहाजा अब राजे वही करेंगी जो वो हमेशा से करती आई हैं। दरअसल राजे इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले बैठी हैं। राजे की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। फिर राजनाथ सिंह से भी राजे मिली लेकिन खबर है कि राजे अभी भी असंतुष्ट हैं। मतलब साफ है कि राजे को अब सीधे मोदी और शाह से मिलकर आर पार की लड़ाई लड़नी है। दरअसल राजे राजस्थान के उन कद्दावर नेताओं में शुमार हैं जिनके बगैर राजस्थान बीजेपी का एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और राजे को अनभिज्ञ रखा गया। कुल मिलाकर कांग्रेस में पायलट तो बीजेपी में अब वसुंधरा आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड में आ चुकी हैं। जानकार बताते हैं कि विधायकों के लिहाज से राजस्थान के सियासी चौसर के सिर्फ दो ही महारथी हैं, वो हैं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। इसलिए प्रदेश की सियासी विसात की हर चालें इन्हें बखूबी मालूम है कि कब कौन सा दांव चलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिफैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि अब जितनी ही मुश्किल सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के समक्ष खड़ी कर रहे थे, अब उतनी ही मुश्किल वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी कर रही है। वसुंधरा राजे को मलाल इस बात का है कि ऑपरेशन लोटस राजस्थान में चला दिया गया लेकिन उन्हें पता ही नहीं। जाहिर तौर पर राजे अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। सियासी जानकार बता रहे हैं कि राजे अब राजमहल में वापसी तभी करेंगी जब मामला आर या पार हो जाएगा। नमस्कार।